हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि एक बड़ा मूव आया है, तो उसके बाद हो सकता है एक दो इनसाइड कैंडल बने और हमें रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लास्ट 2 दिन से अगर आप देखो तो निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज है, रेंज बाउंड है। बैंक निफ्टी भी कंप्लीटली साइडवेज है, रेंज बाउंड है। लेकिन अगर आपने एक बात नोट डाउन की हो, ये जो बड़ा रेड कैंडल है इसका लो अभी भी नहीं टूटा है, आप देख सकते हो, और इसमें फॉलो थ्रू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से आपका थोड़ा व्यू कॉशियस होना चाहिए, शॉर्ट की तरफ आपका ध्यान नहीं होना चाहिए। शॉर्ट ये लो टूटता है तो ही आपको शॉर्ट करना है, अदरवाइज आपको शॉर्ट नहीं करना है। अभी थोड़ा सा हो सकता है एक दो दिन और थोड़ा सा साइडवेज रहे और उसके बाद हमें एक डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिले। ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस ब्रेकडाउन भी दे सकता है या फिर पूरा वापस अप ट्रेंड भी कंटिन्यू कर सकता है। सो दोनों पॉसिबिलिटी है। सो अभी फिलहाल वेट एंड वॉच है। मार्केट थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है, रेंज बाउंड लग रहा है। शॉर्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जब तक ये लो नहीं टूटता तब तक आपको शॉर्ट की तरफ ध्यान नहीं देना है। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो सेम सेटअप है, ये बड़ा कैंडल का लो अभी भी नहीं टूटा है, आप देख सकते हो, और दो इनसाइड कैंडल इसने बनाया है और एक दो दिन मुझे लगता है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है या फिर ये अप ट्रेंड कंटिन्यू भी कर सकता है। सो दोनों पॉसिबिलिटीज है। अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेना है, साइडवेज है। आपको ऑप्शन राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देना है बिकॉज कल एक्सपायरी है, तो मार्केट भी साइडवेज लग रहा है, तो आपको ऑप्शन राइटिंग की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको इंडिगो सेल दिया था, इसमें सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। मैंने आपको पावर ग्रिड सेल दिया था, इसमें मॉर्निंग में टारगेट आ गया था, आप देख सकते हो। मॉर्निंग में ये 175 का इसने टारगेट बनाया और उसके बाद ये ऊपर हुआ है। तो पावर ग्रिड में पैसा आया होगा आपको। कॉनकॉर में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है क्योंकि कॉनकॉर में 405 के ऊपर बाइंग हुआ नहीं है। सो एक में टारगेट हुआ, एक में स्टॉप लॉस हुआ और एक में लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन के लिए कौन से स्टॉक पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा पीवीआर। पीवीआर मुझे लॉन्ग की तरफ काफी अच्छा लग रहा है, अच्छा खासा बेस प्राइस फॉर्मेशन बना रहा है और एक स्ट्रांग अप ट्रेंड में ही है। और आप यहाँ पे देख सकते हो आज भी इसने एक अच्छा सेटअप बनाया है और मुझे लगता है ये हाई अगर क्रॉस करता है तो एक वापस एक नया हाई बना सकता है, ये क्रॉस करके नया हाई बना सकता है। सो 1450 1470 तक पॉसिबल है पीवीआर। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा भारत फोर्ज। भारत फोर्ज का भी सेटअप मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है क्योंकि अगर आप देखो ये पोल है और ये फ्लैग है, ये क्लीन एंड क्लियर फ्लैग पैटर्न इसने बनाया है, आप देख सकते हो पोल एंड फ्लैग, और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट कैंडल भी बनाया है। सो मुझे लगता है इसमें एक अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है भारत फोर्ज में, तो ये भी काफी अच्छा कैंडिडेट रहेगा बाइंग के लिए। आपको इसमें बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है भारत फोर्ज में। थर्ड स्टॉक होगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक भी अगर आप देखो सेटअप बैंक निफ्टी जैसा ही है और इनफैक्ट यहाँ पे इसने फॉलो थ्रू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है इसमें नीचे की तरफ। ये रेड कैंडल के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है नीचे की तरफ और एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल इसने बनाया और मुझे लगता है यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमें देखने को मिल सकती है आरबीएल बैंक में, और राउंड ऑफ नंबर भी है 200, तो 200 के ऊपर जाएगा तो एक बड़ा अप हमें देखने को मिल सकता है। सो आरबीएल में भी आपको बाइंग की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। कौन से लेवल पे बाय कर रहे हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा इंडिया ब्लाउजिंग फाइनेंस। इंडिया ब्लाउजिंग फाइनेंस मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, एक सिंपल इसने ट्रेंड लाइन तोड़ा है, ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है और नीचे की तरफ फॉलो थ्रू सेलिंग आ रहा है इसमें, तो मुझे लगता है इंडिया ब्लाउजिंग फाइनेंस में एक शार्प फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा इंडिया ब्लाउजिंग फाइनेंस। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।